हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आज के वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास Redmi Note 8 Pro मोबाइल है तो उसमें अगर आपको कॉलिंग से रिलेटेड एक प्रॉब्लम जो बहुत ही बिगेस्ट है Redmi Note 8 Pro मोबाइल में, अगर आप भी झेल हो, जैसे कि आप किसी का फ़ोन आता है और फ़ोन उठाते हो तो उस टाइम पर जो सेंसर जो होता है वो वर्क जो एक बार करता है और आपका डिस्प्ले का जो लाइट बंद होता है वो बंद ही रह जाता है, तो उस प्रॉब्लम को अगर आप झेल रहे हो तो इस ट्रिक को जरूर से यूज करेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे आप अपने Redmi Note 8 Pro मोबाइल में कॉलिंग सेंसर वाला जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा पा सकते हो, ठीक है, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैंने इसके ऊपर बहुत दिन पहले लगभग एक साल पहले एक वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी जो है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कमेंट आता रहता है कि संजय भाई थोड़ा डिटेल में बताओ, थोड़ा सा डिटेल में और बता दो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ और इस प्रॉब्लम से छुटकारा भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। ये ट्रिक मुझे बताने वाला हूँ, अगर आपको अच्छा लगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो किसी और प्रॉब्लम के बारे में, मैं आपके लिए फिर वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा तो आपको देखने को मिल जाएगा, फिर आप उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना करके दूँ तो आपको मिल पाए, ठीक है। चलते मोबाइल के स्क्रीन पे और वहीं पे आपको बताया तो कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पे Redmi Note 8 Pro में जो वो प्रॉब्लम आपको मिल रहा है कॉलिंग सेंसर वाला, उससे छुटकारा पाने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपने कॉल सेटिंग में आना होगा अपने Redmi Note 8 Pro मोबाइल में। तो कॉल सेटिंग में आप दो तरीके से आ सकते हो, फर्स्ट आप अपने मोबाइल के सेटिंग से आ सकते हो। तो चलिए मोबाइल के सेटिंग से ही मैं आ जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करता हूँ और सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है आपको। और स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, ऐप्स के अंदर में आपको सिस्टम ऐप सेटिंग का मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर ऐप्स लिखा हुआ है और उसके बाद सिस्टम ऐप सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद में आपको जो है अपने कॉल सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कॉल सेटिंग्स देखने को मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ इससे आप जो है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर सकते हो, लेकिन ये मतलब एक तरीके से आपको नुकसान भी होगा क्योंकि आपका बार बार वहाँ पे बंद ऑफ नहीं होगा, बस एक ही बार में उसको बंद कर सकते हो, कभी आपका कॉलिंग सेंसर काम नहीं करेगा। मैं पहले आपको बता देता हूँ क्योंकि आप लोग फिर नीचे कमेंट करके बोलोगे कि संजय भाई ये तो बंद ही हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो इससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, लेकिन आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100%। तो आपको क्या करना है, कॉल सेटिंग्स में आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम ऐप सेटिंग्स के अंदर कॉल सेटिंग है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनकमिंग कॉल सेटिंग्स का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होता है, जो सेंसर आपका काम करता है एक बार और फिर आपका फ़ोन का डिस्प्ले ही बंद कर देता है, लाइट ही बंद कर देता है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर को ही बंद कर देना है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर का, तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको बंद करना है। लिखा हुआ है टर्न ऑफ द स्क्रीन ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर होल्डिंग द डिवाइस टू योर ईयर, तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग ए कॉल, तो जब भी आप फ़ोन करोगे तभी आपको ईयर के पास, अपने कान के पास फ़ोन को ले जाओगे तो ये ऑटोमेटिक बंद कर देगा। तो इसको अगर आप बंद कर देते हो तो ये फीचर ही बंद हो जाएगा, बाकी आपके फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, आपका लाइट बंद नहीं होगा क्योंकि आप इस सेंसर को ही बंद कर दोगे, डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो इसको बंद कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं 100% आपका जो है गारंटी देता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बाकी प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम नहीं करेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे कमेंट करके जोर से बताएगा आपको कितना ज़्यादा हेल्प हुआ, और कोई प्रॉब्लम और है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ख्याल रखिएगा, जय हिंद, वंदे मातरम।